ना चालो है तो बोरवेल की गाड़ी जा रही है कहीं पे बोर करने। वन स्कूप प्रोटीन शेक आफ्टर वर्कआउट। एक प्लेट मेदू वड़ा। गाइस ये कीड़ा जिम में आ गया था, इसको अभी बाहर छोड़ देते हैं। गर्मी में ये बहुत तेज आवाज करता है, सिकेड़ा बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। बहुत ही जबरदस्त आवाज आता है इसका। अभी फिलहाल तो ये शांत है, लेकिन जब आवाज करते हैं तो कानों में उंगली डालनी पड़ती है अगर ये नजदीक रहता है तो। इतना तेज आवाज करते हैं ये। तो गाइस ये इसका साउंड है, बहुत ही खतरनाक है एकदम। शायद वर्कआउट करने आया होगा। ये ले जिम देख ले तू भी। चलो गाइस इसको बाहर छोड़ देते हैं, उड़ जाएगा ये। इधर ही रख देते हैं, अपने आप चला जाएगा बाद में। इसको इधर रख दिया है, नीम के पेड़ पे उड़ जाएगा बाद में वो। थोड़ा छाव में रख देता हूँ। बॉम्बिल की चटनी बनाएंगे अभी। अभी इसको थोड़ा पीस लेंगे। मिर्ची है, धनिया है, बॉम्बिल और लहसुन। सो गाइस अभी ये पूरा बारीक हो गया है, इसको तवे में फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा खाने का तेल डाल के। तेल गरम हो गया है, क्या स्मेल आ रहा है, एक नंबर। गाइस फाइनली हाई प्रोटीन चटनी अपनी रेडी है। बोम्बिल की चटनी है तो बोम्बिल में 100 ग्राम बोम्बिल में 60 ग्राम प्रोटीन रहता है, तो ये बन गई अपनी हाई प्रोटीन चटनी। इसको अभी दाल राइस के साथ खाएंगे, कभी भी खा सकते हैं, चपाती के साथ, राइस के साथ, कैसे भी। और ये चटनी के साथ थोड़ा खाना भी ज़्यादा खा सकते हैं, जिसको खाना अच्छा नहीं लगता या फिर ज़्यादा खा नहीं सकते उनके लिए बेस्ट चीज़ है बोम्बिल की चटनी। जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए, वेजिटेरियन लोगों का बहुत ज़्यादा मसला रहता है, तो मैं नॉनवेज खाता हूँ तो ज़्यादा मैं यही सजेस्ट करता हूँ। गाइस अपना लंच रेडी है। बिना तड़के की दाल है, इसमें बैंगन डाला हुआ है, धनिया है और दाल है, और ये अभी बनाई थी वो चटनी बोम्बिल की। और सलाद है, कांदा है, और ये खीरा है और टमाटर। तो घर में दाल राइस भी बनता है, उसको कंप्लीट अच्छा डाइट बना सकते हैं अपन ये छोटी छोटी चीज़ें मिक्स करके, और हाईली न्यूट्रिशियस फूड बन जाता है। जो फिटनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, जिसका फिटनेस गोल रहता है, उसके लिए ऐसा डाइट करना बहुत ज़रूरी है। ना खाली दाल चावल खा लेंगे तो वो भी पूरा नहीं पड़ता, इसलिए ये सब ऐड करना ज़रूरी है। सुबह सुबह बारिश हो रही है। धूप भी है और बारिश भी आ रही है अभी। देखो बूंदे कैसे चमक रही है। ऐसा लग रहा है कांच के टुकड़े गिर रहे हैं आसमान से, सनलाइट की वजह से पूरी बूंदे चमक रही है।
तो गाइस मई महीने की शुरुआत ये है, पूरे बादल छाए हुए हैं, बारिश हो रही है। ये देखो गाइस क्लाइमेट कितना मस्त है, बादल देखो, मॉर्निंग में बारिश हो रही थी और अभी वाव कितना ब्यूटीफुल लग रहा है क्लाइमेट। तो गाइस आज क्लाइमेट बहुत क्लीन है, बादल जा रहे हैं मस्त। तो आज संडे भी है, टाइम है मेरे पास, ट्राइपॉड पे कैमरा लगाया है और एक मस्त टाइम लैप्स शूट करके दिखाता हूँ आपको, कैमरा भी लगा देता हूँ मैं टाइम लैप्स पे। ये देखो गाइस अपनी जुगाड़ टेक्नोलॉजी, ट्राइपॉड पे लगाया मैंने रस्सी से बांध के मोबाइल को, टाइम लैप्स शूट हो रहा है यहाँ का। तो गाइस टाइम लैप्स कैसा लगा मुझे कमेंट में लिख के बताएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक आपने तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।